ओके नमस्कार सर, कहाँ से आए आप? हम हरियाणा फरीदाबाद से। आपका शुभ नेम क्या है? विराज भारद्वाज। सर आप? मेरा हिमेंद्र कुमार भारद्वाज, हरियाणा से। हाँ जी, मैं इसका फादर हूँ। अच्छा ओके, तो तुम क्या बता रहे थे बांस के बारे में, कितना आपने यहाँ पे? बांस की अभी जैसे लोगों को नॉलेज नहीं है, पर इसके इसे ग्रीन गोल्ड बोलते हैं ठीक है आम भाषा में। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे आपसे 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने इसे ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया है, तो उसके बाद से इसकी डिमांड जैसे ये लगा लीजिए बहुत ज़्यादा है। हर 20,000 करोड़ का तो बाम्बू इंडिया इम्पोर्ट करता है। ओके ओके, अब इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि इंडिया इम्पोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर भी बन सकता है और डोमेस्टिक नीड भी पूरी कर सकता है। जैसे अगरबत्ती इंडस्ट्री ही सिर्फ 4-6 करोड़ का इम्पोर्ट करती है, अगर हम अगरबत्ती इंडस्ट्री वालों में ही सप्लाई करें तो उनसे भी यहाँ का नॉर्मल किसान बहुत कमा सकता है महीने के। ये लगा लीजिए आप, अगर एक पहली फसल लेने के बाद आप ये लगा लीजिए, पहली फसल के बाद ही वो कम से कम 50-60 करोड़ रुपए आराम से कमा सकता है, अगर प्रोसेस भी ना करे, प्रोसेस करे या उनसे सीधा बात करे तो वो आपको खुद आके कॉन्ट्रैक्ट दे के जाते हैं, आपका एनालाइज करके लगाया हुआ है और आपसे कॉन्ट्रैक्ट करे जाते हैं कि हम इस रेट पर लेंगे, क्या वो होगा। उसके साथ साथ बाम्बू के कई बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे इसके पत्ते होते हैं तो उनसे आप यूज़ एंड थ्रो का सामान बन जाता है, गाय का फॉडर बन जाता है, खाद बन जाती है, इसके काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होते हैं।